हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज धीमान राजेश धीमान में। आज सीक्वेंस एंड सीरीज में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म्स ऑफ एन ए पी आर ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, देन सो दैट ए ओवर पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी ओवर क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस सी ओवर आर इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमें क्वेश्चन प्रूव करना है। देखिए यहां पर ए लिखा है, इसका मतलब हम फर्स्ट टर्म स्मॉल ए नहीं ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें फर्स्ट टर्म कैपिटल ए एंड कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी एज्यूम करना होगा। हमने ये एज्यूम कर लिया ए फर्स्ट टर्म है एंड डी कॉमन डिफरेंस है। तो सम ऑफ पी टर्म लिखेंगे, फिर सम ऑफ क्यू टर्म लिखेंगे, फिर सम ऑफ आर टर्म लिखेंगे और वो दिया है ए बी सी। तो हम देखिए यहां पर लिखते हैं सबसे पहले ए। ए किसके बराबर है? सम ऑफ फर्स्ट पीथ टर्म, इसका मतलब है पी ओवर टू इंटू टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। हमारा फॉर्मूला क्या है? एस एन का एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और यहां पर ही हमने इस फॉर्मूले में एन की जगह पी रिप्लेस कर दिया है, बाकी वही है पी बाई टू टू ए स्मॉल ए मतलब फर्स्ट टर्म, यहां पर हमने कैपिटल ए लिया है, स्मॉल डी कॉमन डिफरेंस, यहां पर कैपिटल डी लिया है, इसको एक नंबर दे देंगे। इसी तरह से नंबर दो पे सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म, तो ये आ जाएगा क्यू ओवर टू इंटू टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, इसको नंबर दो लिख दिया। और स्मॉल सी एंड आर इज इक्वल टू सम ऑफ आर्थ टर्म, तो वो सी के बराबर है, आर ओवर टू इज इक्वल टू टू ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, ये नंबर हमने तीन अज्यूम कर लिया। आप देखिए हमें प्रूव क्या करना है, ए ओवर पी इंटू क्यू माइनस आर, यहां पर ए यहां ये दिया है, तो हम क्या करेंगे इस ए को इसके हिसाब से चेंज करेंगे, मतलब ए को हम क्यू माइनस आर ओवर पी से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम बी को आर माइनस पी ओवर क्यू से मल्टीप्लाई करें, फिर सी को पी माइनस क्यू ओवर आर से मल्टीप्लाई करें, तो हमें यही चीज मिल जाएगी जब हम उसको ऐड करेंगे और वही हमने निकालना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन नंबर एक को क्यू माइनस आर ओवर पी, बी को इक्वेशन नंबर दो को आर माइनस पी ओवर क्यू, इक्वेशन नंबर तीन को पी माइनस क्यू ओवर आर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड कर देंगे। तो ये लिखे हमने मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन नंबर वन को इसके साथ, वन टू को इसके साथ, थ्री को इसके साथ, और फिर ऐड कर देना है। उसके बाद हमारे पास ये टर्म मिलेगी और इसको हम एज्यूम कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं दोबारा दोबारा से नहीं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड। तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो यही मिलेगी, और राइट हैंड साइड में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या मिलेगा, देखिए यहां पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू माइनस आर ओवर पी, देखिए क्यू माइनस आर ओवर पी, क्यू माइनस आर ओवर पी, इससे मल्टीप्लाई करना है इस टर्म को, तो ये बनेगी पी ओवर टू, फिर टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। नंबर दो को यहां मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, आर माइनस पी ओवर क्यू, और यहां पर क्यू बाई टू इंटू टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। लास्ट में इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू ओवर आर इंटू आर बाई टू है, तो आर ओवर टू इंटू टू ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, ये आ गया हमारा। अब हम इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए पी के साथ पी कैंसिल हो गया, क्यू के साथ क्यू कैंसिल हो गया, आर के साथ आर कैंसिल हो गया।
तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप या आपका कोई साथी किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए हमारा चैनल है एग्जाम क्रैकर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ये आपको मैथ्स के सॉल्व ट्रिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा, जरूर विजिट करें। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जब हम इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से ये टू इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा क्यू माइनस आर, टू के साथ टू कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा ए। फिर मैं यहां से मल्टीप्लाई करता हूं, इस टर्म को बाद में लिखता हूं, आर माइनस पी इंटू ए, यहां भी टू कैंसिल हो जाएगा, प्लस यहां से पी माइनस क्यू इंटू ए प्लस। अब पहली टर्म तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया है तीनों जगह, अब q माइनस आर ओवर टू से यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां क्या होगा, q माइनस आर ओवर टू, q माइनस आर ओवर टू, उसके बाद p माइनस वन इंटू डी, p माइनस वन इंटू डी, टू तो यहां लिख दिया है, ये ऐसे हो जाएगा यहां से, प्लस r माइनस पी इंटू क्यू माइनस वन इंटू डी ओवर टू, आर माइनस पी ओवर टू यहां लिख दिया मैंने, फिर क्यू माइनस वन इंटू डी यहां लिखा, और लास्ट में हम इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो लास्ट में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मिलेगा पी माइनस क्यू, ये पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई टू, और पी माइनस क्यू के साथ यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो आर माइनस वन इंटू डी मिलेगा। अब अगले स्टेप में देखिए, यहां पर इन तीन टर्म में ए कॉमन है और इन लास्ट तीन टर्म में डी वाई टू कॉमन है, यहां से हम डी वाई टू कॉमन लेंगे, यहां से ए कॉमन लेंगे, तो जब हम ए कॉमन लेंगे तो यहां से क्या मिलेगा, क्यू माइनस आर, यहां से आर माइनस पी, यहां से पी माइनस क्यू, प्लस यहां से हम डी वाई टू, डी वाई टू, डी वाई टू कॉमन ले लेते हैं, तो डी ओवर टू अंदर बचेगा हमारे पास, क्यू माइनस आर इंटू पी माइनस वन, यहां से आर माइनस पी इंटू क्यू माइनस वन, और यहां से पी माइनस क्यू इंटू आर माइनस वन, पी माइनस क्यू इंटू आर माइनस वन। अब देखिए यहां आगे क्या हुआ, क्यू क्यू के साथ कैंसिल हो गया, आर आर के साथ कैंसिल हो गया, पी पी के साथ कैंसिल हो गया, सभी एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए, यहां से हमें जीरो मिला, ए इंटू जीरो प्लस डी वाई टू इंटू, अब इसके साथ हम यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले क्यू के साथ पी को हमें मिलेगा क्यू पी, फिर क्यू के साथ वन को माइनस क्यू, माइनस आर के साथ पी को आर पी, माइनस आर के साथ वन को प्लस आर, इसी तरह से यहां पर आर क्यू, तो आर क्यू मिलेगा, फिर आर माइनस वन, माइनस आर मिलेगा, माइनस पी माइनस क्यू, माइनस पी माइनस क्यू, फिर माइनस पी के साथ वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस पी मिलेगा, यहाँ पी के साथ आर को मल्टीप्लाई करेंगे तो पी आर हो जाएगा, पी के साथ माइनस वन को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस पी हो जाएगा, माइनस क्यू के साथ आर को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस क्यू आर, माइनस क्यू के साथ वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस क्यू बन जाएगा। अब अगले स्टेप में देखिए, ये यहां से जीरो मिला, ए इंटू जीरो जीरो, डी वाई टू बाहर रखा, अब इस क्यू पी के साथ पी क्यू, ये माइनस है ये प्लस है, ये कैंसिल हो गया, माइनस क्यू है हमारे पास, प्लस क्यू है लास्ट में, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, यहां देखिए माइनस आर पी है, माइनस आर पी, और लास्ट में यहां पर है प्लस पी आर, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये आर इसके साथ कैंसिल हो गया, आर क्यू और ये इसके साथ कैंसिल हो गया, आर क्यू माइनस क्यू आर, फिर बचा पी और ये पी इसके साथ कैंसिल हो गया, मतलब सभी के सभी कैंसिल हो गए, हमें मिला जीरो, अल्टीमेटली ये जीरो हुआ, तो हमारा जो आंसर है जो हमसे पूछा गया था वो जीरो के बराबर आ गया था, ये पूछा था हमसे, और यही हमने देखिए यहां पर मल्टीप्लाई करके यही लिखा है और ये जीरो के बराबर आ गया है और ये हमारा आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो सीक्वेंस एंड सीरीज के ऊपर, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, अगर आपने ये वीडियो फेसबुक पेज के ऊपर देखी है तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।